आप सबको स्वागत है। आज हम 16 जून की शुरुआत में पहुंचे हैं। इच्छा अच्छा बनने नहीं देती है, क्यों? क्योंकि जब हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, और स्पेशली जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, जब हमारे अंदर वो इच्छाएं होती हैं कि हमें कुछ रिटर्न में मिलेगा, और अगर वो रिटर्न में नहीं आई तो आप जानते क्या होता है, राइट? तो हम अच्छा नहीं बन पाते हैं, हमारे अंदर वो फिर दया भावना, हमारे अंदर करुणा वो नहीं हो पाता, हमारे अंदर फिर बदले की भावना आती है और बहुत सारे नेगेटिव हमारे अंदर आते हैं, क्रोध भी आता है, अहंकार भी आता है, मैंने इतना किया उसके उसने क्या किया। तो आज परमात्मा कहते हैं इस वरदान में, इच्छा मात्रम अविद्या, हमें इच्छा होने की विद्या ही ना हो, कि स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले, मास्टर दाता देने वाले ज्ञानी तो आत्मा भवा। जो ज्ञानी तो आत्मा अर्थात बुद्धिमान है, उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिलता है, उन्हें मांगना नहीं पड़ता कि मुझे, मैंने इतना अच्छा बोला, मैंने इतनी अच्छी सेवा करी, मैंने इतना आपके काम किया, आपने मुझे कुछ बोला ही नहीं, आपने कुछ मुझे दिया नहीं, उन्हें मांगना ही नहीं पड़ता है, मांगने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि दिल साफ है, परमात्मा कर्तव्य करवा रहा है, हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट निमित्त बनके कर्तव्य कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम सोचें हम कर रहे हैं तो हमें इच्छा होगी। जब स्वतः सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं तो मांगने का संकल्प भी नहीं उठ सकता। परमात्मा से सुख मिल रहा है, परमात्मा से शांति, परमात्मा से प्रेम, परमात्मा से केयर मिल रही है, तो फिर इंसान से क्या मांगे, क्यों मांगे इंसान से? और जब इंसान से मांगने की जरूरत नहीं होगी तो हम इंसान के साथ बर्ताव कैसे करेंगे? हम भीख जैसे कटोरे लेके थोड़ा बोलेंगे मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, मैंने जीवन भर तुम्हारे लिए क्या किया, तुमने मेरे लिए क्या किया, नहीं कहेंगे। परमात्मा कहते हैं ऐसे बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं, क्योंकि उनको सारी इच्छाएं सारी जो होती हैं उनको परमात्मा से मिलती है। ये कोई धन संपत्ति की इच्छाओं की बात नहीं हो रही है, ये सुख शांति प्रेम जिनको हम छू नहीं सकते, जो परमात्मा से हमें मिलती है। परमात्मा भी आत्मा को छू नहीं सकते, हम भी आत्मा हमें उनको छू नहीं सकते, और हम भी अपने आप को छू नहीं सकते। हम महसूस कर सकते हैं, हम प्रेम को महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, आनंद को महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। लेकिन आज हम दुनियावी चीज़ों में आनंद, सुख, शांति, प्रेम, खुशी ढूंढ रहे हैं, जिस कारण से कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो परमात्मा कहते हैं आगे, जैसे ज्ञानी तू आत्मा मांगने वाले से दाता के बच्चे मास्टर दाता बन जाते, मांगना पूरा हो जाता, ऐसे ज्ञानी तू आत्मा मांगने वाले से दाता के बच्चे मास्टर दाता बन जाते हैं। जो हम पहले मांगने वाले थे, प्रेम दो, शांति दो, अटेंशन दो, रिस्पेक्ट दो, अब हम देने वाले बन जाते हैं। मांगना पूरा हो जाता, इतना बड़ा सम्मान मिल जाता जो नाम मान शान की भी इच्छा नहीं रहती। तो अगर नाम मान शान की इच्छा है तो इंसान बहुत मैनिपुलेशन करता है, लोगों को मैनिपुलेट करता है, लोगों को पुचकारता है, किसी को इंपॉर्टेंस देता है, किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देता है, किसी के साथ में थोड़ा ज्यादा बनता है, जब उससे काम निकल जाता है छोड़ देता है, फिर दूसरे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और यही खेल में, रावण के खेल में वो घिरा रहता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको इच्छाएं पूरी करनी होती है। तो परमात्मा कहते हैं सबके साथ सम दृष्टि, सबके साथ सेम बिहेवियर, चाहे कुछ भी हो जाए, यही ब्रह्म कुमारी में हम सीखते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी मन एकाग्र हो जाए तो आप भी आइए इस विद्या को लीजिए। ओम शांति इसके साथ।